बल्कि आप जानते हैं कि आज के दिन के अकॉर्डिंग दुनिया में टोटल 2,775 लोग ही ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं और बाकी 68.9 करोड़ लोग वो हैं जो गरीब या फिर मिडिल क्लास से हैं। अब ये डेटा हो सकता है आपको बहुत शॉकिंग लगा होगा और हो सकता है आपको ये बात अनबिलीवेबल भी लगे, बट यही डेटा ही रियलिटी है। तो मेन क्वेश्चन अब यहाँ पर यही आता है कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्यों सिर्फ गिने चुने लोग ही कामयाब बन पाते हैं? तो इस चीज का एक बहुत ही सीधा सा जवाब है, अपने मेन काम को छोड़कर जब किसी इंसान के पास उसका फ्री टाइम बचता है तो वो उस फ्री टाइम को कैसे यूज करता है, ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में। नाकाम इंसान हमेशा अपना फ्री टाइम उन चीजों में ही यूज करते हैं जो इन फ्यूचर उनके किसी काम में नहीं आती, वहीं कामयाब इंसान अपने फ्री टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को और सिक्योर और बेहतर बनाने के लिए। पर आखिर वो लोग ऐसा करते क्या हैं? पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डिफरेंट कामों के बारे में बताऊंगा जो कामयाब लोग करते हैं अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, जिससे उनको आगे चलकर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते भी हैं। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम को गेम्स और सोशल मीडिया जैसी चीजों में बिता रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इसलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको आपके फ्यूचर सक्सेस का रास्ता यहीं से मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ के रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि सेहत ही दौलत है। US और बाकी कई कंट्रीज में हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इवन वो लोग तो इसको पैसों से भी ज्यादा जरूरी समझते हैं। बट इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 2 पर आता है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं और बाकी सारे इसकी कोई परवाह ही नहीं करते। फिर जब उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा जाता है तो मेजोरिटी ऑफ पीपल ये कहते हैं कि हम फिट तो रहना चाहते हैं पर क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हेल्थ पर फोकस करने का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉन सीना जैसी बॉडी और ऋतिक रोशन जैसे एप्स बनाने हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर लेते हैं तो ये करना भी आपके लिए इनफ होगा, एटलीस्ट इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और लंबे टाइम तक सेफली फंक्शन करती रहेगी। फेमस बुक एंटी फ्रेजाइल के ऑथर नसीम नेकलेस अपनी बुक में फ्रेजाइल और एंटी फ्रेजाइल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, फ्रेजाइल और एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि वो चीजें जिस पर अगर आप कोई प्रेशर देते हैं तो वो फौरन टूट जाएगी, बट वो चीजें जो प्रेशर देने के बाद भी और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं वो एंटी फ्रेजाइल होती हैं। आप अपना फोन लेते हैं और उस पर जोरदार डंडा मारते हैं तो वो फोन आपके एक शॉट में ही टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, बट वहीं अगर आप अपनी बॉडी पर डंडा मारते हैं तो यस नो डाउट आपको उस वक्त बहुत दर्द होगा, पर रोज रोज अगर आप इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पर उस डंडे का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एंटी फ्रेजाइल है, इस पर अगर आप कोई प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो ये और मजबूत हो जाएगी। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी पर डंडे मारना शुरू कर दो, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा ही सही पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो ये आगे चलकर हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके लिए आपको हैवी वर्कआउट ही करना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज भी इनफ होगी आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखने के लिए। नंबर 2, लर्न न्यू स्किल्स। एक चीज जो स्मार्ट और एवरेज लोगों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है वो है न्यू स्किल्स को सीखना। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि न्यू स्किल्स को सीखकर वो ना सिर्फ खुद को बेटर बना सकते हैं बल्कि अपनी वैल्यू को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करते रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यू स्किल्स सीखकर वो अपनी नॉलेज को ही नहीं बल्कि अपनी इनकम को भी कई गुना तक बढ़ा लेते हैं। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लाइक प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कॉपीराइटिंग एंड सो ऑन, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके अंदर कंपलसरी होनी ही चाहिए वो है फाइनेंशियली एजुकेट होने की स्किल, क्योंकि यही स्किल आपको अपने पैसों को मैनेज करना और फ्यूचर में कामयाब होना सिखाएगी। और इस वैल्यूएबल स्किल को सीखने के लिए एक बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है जिसका नाम है elearnmarket.com। यहाँ पर आपको 68 वीडियोस का पूरा एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जो आपको आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा आपको फाइनेंशियली फ्री बनने में। बट एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि ये कोर्स 999 का एक पेड कोर्स है, जिसको अगर आप डायरेक्टली परचेज करते हैं तो आपको 999 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक कूपन कोड दिया हुआ है decent100 के नाम से, उसको अगर आप यहां पर जाकर अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और ये कोर्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट है तो इसको समझने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वेबसाइट पर विजिट करें और अपने फ्री टाइम को इस वैल्यूएबल स्किल को सीखने में यूटिलाइज करें। नंबर 3, रीड बुक्स। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल या अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं वो इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है कि उन्होंने सारी चीजों का खुद ही पता लगा लिया, बल्कि वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपने कामयाब होने का राज उन लोगों से सीखा जो ऑलरेडी उस गोल को अचीव करके उस पर बुक लिख चुके हैं। एग्जाम्पल,
वॉरेन बफेट को लोग इस दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह इन्वेस्टिंग से कमाए अपने सारे पैसों का क्रेडिट अपने आप को नहीं बल्कि बेंजामिन ग्राहम को देते हैं, क्योंकि जिन जिन टेक्निक्स का यूज वो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त करते हैं वो सभी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखी है, और इस बात को वो अपने कई इंटरव्यूज में मेंशन भी कर चुके हैं। देखो, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आइडिया, बिजनेस या इन्वेंशन हो वो एक बार में ही कामयाब हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, और इस चीज के भी कम चांसेस हैं कि जो आइडिया आपको अच्छा लगता है बाकी लोगों को भी वो आइडिया उतना ही अच्छा लगे। इसलिए कामयाब लोग अपनी हर एक चीज का सोल्यूशन पाने के लिए डेली बुक्स पढ़ते हैं, और ये जानते हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी उस गोल को पूरा कर चुके हैं उन्होंने क्या क्या एडवाइस दी है, फिर इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करके वो उन गलतियों से बच जाते हैं जो इन फ्यूचर उनके और उनके आइडिया के बीच में आ सकती थी। तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उस वक्त आप ऑथर की लाइफ को खुद स्टडी करते हैं, लाइक उनकी प्रॉब्लम्स, उनके आइडियाज और उनकी अचीवमेंट्स को भी। इसलिए अपने खाली समय में बुक्स रीड करने का जरूर टाइम निकालें। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और आप चाहकर भी अपनी फेवरेट बुक को सही से रीड नहीं कर पाते तो उस बुक का नाम आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उस बुक की हिंदी समरी मैं आपको दूंगा। नंबर 4, स्टार्ट अ साइड हसल। 9 to 5 के स्केड्यूल से बाहर अगर आप ये चाहते हैं कि आप दूसरों के अंडर हमेशा सिर्फ काम न करते रहें, तो आपको अपने फ्री टाइम में एक साइड हसल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक साइड हसल स्टार्ट करना बहुत ही इजी हो गया है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप अपना साइड हसल आराम से शुरू कर सकते हैं, और एक साइड हसल के रूप में मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड आपको यूट्यूब को ही करूंगा, क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज की और मैं चाहता हूं इससे आप अपनी भी लाइफ इंप्रूव करो। बस आपके पास एक यूनिक सा टॉपिक होना चाहिए जिस पर आप वीडियो बना सको, और एक बार अगर आपका चैनल ग्रो कर गया तो आप यहां से इतनी अर्निंग कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूट्यूब ही एक ऐसा जरिया है जो आपको आपकी 9 to 5 की जॉब से बहुत जल्दी छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि वीडियो प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और ये आगे चलकर भी ग्रो ही होगा। इसलिए फ्री रहकर टाइम वेस्ट करने की बजाय यूट्यूब पर ऐसे साइड हसल काम करना शुरू कर दो। मे बी आपका चैनल जल्दी भी ग्रो हो सकता है और हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाए, बट ग्रो हो जाने के बाद आपको यहाँ से नो डाउट बेनिफिट ही होगा। तो ये थे गाइस वो 4 ऐसे काम जो आपको अपने फ्री टाइम में जरूर करने चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका माइंडसेट बदलेगा बल्कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में elearnmarket.com का लिंक है उसको भी जरूर चेकआउट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।